मुझे तो अपने पिता का भी पता नहीं। हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है सुख और आप देख रहे हो व्लॉगिंग लूप। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हैप्पी 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 जन्माष्टमी। और दोस्तों, और साथ में सॉरी भी बोलूँगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बोलते हो कि मैं अपने इस व्लॉगिंग चैनल पे रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता। गलती मेरी है और मैं उसके लिए आपको सॉरी भी फील करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बात का मेरे पास एक रीज़न भी है। जी दोस्तों, वो रीज़न ये है कि मैं आजकल अपना पूरा ध्यान अपने सेकेंड चैनल प्रीत सुख क्रिएशन वाले चैनल पर देता हूँ, और जहाँ पे आपको जाके पता लगेगा कि मेरा पूरा टाइम इन्वेस्ट वहाँ कैसे हो जाता है, सुबह से शाम कैसे बढ़ जाती है, मुझे खुद भी नहीं पता। और दोस्तों, एक रीज़न ये भी है कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करता या सिर्फ अपना टाइम यूट्यूब पे नहीं देता, बल्कि मैं जॉब भी करता हूँ जहाँ से मेरी इनकम आती है। और दोस्तों, अभी भी मैं अपने जॉब पर आया हूँ, वो इसके पीछे मेरी जॉब है। और अभी लंच टाइम में मैं लंच करने निकला था और बाकी फ्री टाइम में आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरा अभी 10 मिनट्स रह गए सिर्फ लंच टाइम ख़त्म होने में। तो दोस्तों, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज का व्लॉग आएगा जन्माष्टमी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, यहाँ के सेक्टर 20 में वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवल्स लगाए जाते हैं जन्माष्टमी के फेस्टिवल पर। और दोस्तों, मैं को तो आज वहाँ जाना ही था, क्योंकि हमें भी तो हिस्सा बनना है जन्माष्टमी का। और दोस्तों, तो मैंने सोचा हम तो हैं व्लॉगिंग वाले बंदे, तो एक व्लॉग भी बना लेते हैं। और दोस्तों, जो मेरे को लंच ब्रेक के बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिला, काफ़ी गर्मी आज सीरियसली। तो दोस्तों, अब तो 5 मिनट रह गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ज़रूर देखिए, आई होप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, किसी के साथ कुछ बुरा मत कीजिए, और प्रेम कीजिए और बाकियों से प्रेम लीजिए बस। तो दोस्तों, थोड़े ज्ञान वाली ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो आज हम चलते हैं व्लॉगिंग करने। व्लॉगिंग तो 6 बजे होगी, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और आप आज की क्लिप्स एंजॉय कीजिए। बाय। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैतन्य टेंपल। और दोस्तों, ये टेंपल कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देखो। दोस्तों, पूरी लाइटिंग वगैरह इसमें लगी हुई है, पूरा ये मंदिर सजा हुआ है, और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मैं बता नहीं सकता। मैं दोस्तों आपको इसके शॉट से दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मज़ा ऐसे लाइव देखने में है ना, वो ऐसे वीडियो में नहीं है। पर फिर भी आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज इसमें लेज़र से होने वाला है, लाइटिंग से होने वाली है, और हमें कृष्ण जी के बारे में और भी काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। और दोस्तों, चलो अंदर चलते हैं और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
जो व्यक्ति बड़ों का अपमान करता है वह कभी भी महान नहीं बनता। यह घटना युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ की है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध करके उसे ब्रह्मलीन नामक मोक्ष प्रदान किया। थोड़ा सोचिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो गाली देने वाले शिशुपाल को भी मोक्ष दे सकते हैं, तो वे हरिनाम संकीर्तन करने वालों को कितना आशीर्वाद देंगे।